हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए न्यू जॉब का अपडेट लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी पॉपुलर कंपनी का जॉब वैकेंसी का अपडेट लेकर आ गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस कंपनी के रिक्रूटमेंट के बारे में। इन्फोसिस कंपनी में लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्फोसिस कंपनी में लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ गया है 2023-2024 का। जैसा कि देख सकते हैं, नो फीस है, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर इन्फोसिस कंपनी में अप्लाई करेगा फ्री में अप्लाई कर सकता है। बाकी आपको अप्लाई करना स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट बोथ अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेशर कैंडिडेट, एक्सपीरियंस वाले, ऑल इंडिया के कैंडिडेट मेल फीमेल बोथ यहां पे अप्लाई कर पाएंगे इंफोसिस कंपनी में जॉब के लिए, नौकरी के लिए। तो आपको करना क्या है दोस्तों, बस वीडियो पे बने रहना है। वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, डिटेल में आपको जानने को मिलेगा कि यहां पे इंफोसिस कंपनी में किस किस पोस्ट पर, यानी कि किस किस लोकेशन पे जॉब आया है, जॉब का यहां पे आपको प्रोफाइल आपको कैसे निकालना है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, किस प्रकार से आपको यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि फॉर्म भर के कैसे सबमिट करना पड़ेगा, यह सब भी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में दिया जाएगा। तो करना क्या है, बस वीडियो पे बने रहना है, वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी दे दूं, काफी लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, भगा भगा के देखते हैं, तो वीडियो को कहीं इस पे स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको अप्लाई करना, जो प्रोफाइल निकालना, काफी कुछ जानकारी सिखाया जाएगा, दिखाया जाएगा, तो बस वीडियो पर बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आपको इन्फोसिस के रिक्रूटमेंट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो आप यहां पर देख सकते हैं, इन्फोसिस में लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ गया है। आप यहां पर देख सकते हैं, नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर कंपनी नेम है जो कि इन्फोसिस होने वाला है। टोटल पोस्ट यहां पर 1000+ है, यानी कि 1000 से ज्यादा यहां पर भर्ती निकाला गया है इन्फोसिस कंपनी में, जो कि यहाँ पे आपको मल्टीपल लोकेशंस पे और मल्टीपल पोस्ट पे जॉब देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको टोटल काउंट करके बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1316 ओपनिंग है अलग अलग लोकेशन पे, जैसे कि यहाँ पे बेंगलुरु हो गया, यहाँ पे आपका चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, कोयम्बटूर हो गया, बाकी गुड़गांव हो गया, हुबली हो गया, हैदराबाद हो गया, इंदौर हो गया, जयपुर हो गया, कोलकाता हो गया, यहाँ पे मुंबई हो गया, आपका यहाँ पे पुणे हो गया, नोएडा हो गया, ऐसे ऐसे करके मल्टीपल लोकेशन पे और मल्टीपल पोस्ट पे यहाँ पे भर्ती निकाला गया है इन्फोसिस कंपनी में। तो यहाँ पे अप्लाई मोड ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आवेदन करना आगे आपको बताया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंडियन कैंडिडेट मेल फीमेल बोथ एक्सपीरियंस वाले और फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एज के बारे में बात करें तो एज यहाँ पे 18+ मांगा गया है। देखो यार, किसी भी कंपनी किसी भी सेक्टर में काम करो तो एज कम से कम 18 या 18+ ही मांगा जाता है। तो अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना है, जॉब का ऑफिशियल प्रोफाइल वेरीफाई कर लेना है, जिसमें आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल जाएगा। बात करें दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस और कंपनी के रूल के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, हर एक पोस्ट पे अलग अलग क्वालिफिकेशन। और सैलरी क्या मिलेगा, तो सैलरी ऐसा शो नहीं किया गया है, गुड सैलरी मिलेगा, हैंडसम सैलरी मिलेगा अकॉर्डिंग आपके पोस्ट और यहाँ पे कंपनी के रूल के हिसाब से। एप्लीकेशन फीस फ्री है फॉर एवरीवन, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। लास्ट डेट यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो आपको ऑफिशियल जॉब प्रोफाइल जरूर वेरीफाई कर लेना है। अब कैसे अप्लाई करना है, कैसे जॉब प्रोफाइल निकालना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला काम, अगर आपको यहाँ पे इन्फोसिस कंपनी का जॉब का डिटेल निकालना है तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, न्यूज़ ओके है कि वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के लिए क्या करना है, आपको अपने फोन में कोई भी ऐसा ब्राउजर ओपन करके सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना है, न्यूज़ ओके है, NEWS न्यूज़ ओके HAI। जैसे आप यहाँ पे न्यूज़ ओके है सर्च करोगे तो यहाँ पे जो टॉप पे वेबसाइट आ जाएगा न्यूज़ ओके है, www.newsokehai.com, इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे आ जाओगे, जहाँ पे आपको इन्फोसिस के रिक्रूटमेंट के बारे में लेटेस्ट आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और जैसे आप क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ये आर्टिकल आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको फिर से ये जो आर्टिकल है अच्छे से पढ़ लेना है। हालांकि मैंने मेन मेन पॉइंट बता दिया था, बट क्या करना है, आप फिर से रीड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना स्क्रॉल करके, और यहां पे दोस्तों आपको लिंक मिलेगा, यहां पर आप देख सकते हैं, जिसमें आपको अप्लाई का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा। तो आपको अप्लाई करना है तो यहां पे आपको अप्लाई के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आप लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है दोस्तों इन्फोसिस कंपनी का जॉब का पेज, कैरियर का पेज। कहने का मतलब यह है कि जो भी यहां पे इन्फोसिस में लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आता है इसी पेज पे अपडेट होता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे मल्टीपल जॉब्स अपडेट किया गया है, जैसा कि देख सकते हैं हॉट जॉब्स यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे जॉब्स में देखेंगे तो आपको दोस्तों टोटल 1316 ओपनिंग देखने को मिल रहा है अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग लोकेशन पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस पेज पे आने के बाद जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म भरना है, मैं आपको बता देता हूं। देखो यार, इस पेज पे आने के बाद सबसे पहला काम यह है कि आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किस पोस्ट पे अप्लाई करना है, किस पोजीशन का आपको डिटेल देखना है। यहां पे आप जॉब का टाइटल, जॉब का कीवर्ड देकर जॉब सर्च कर सकते हो। यहां पे आप अपने हिसाब से लोकेशन दे सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो कि आप किस लोकेशन का जॉब ढूंढ रहे हो, यहां पे मल्टीपल लोकेशन है। बाकी
नीचे आपको लेटेस्ट जॉब देखने को मिलेगा जो कि अभी हाल फिलहाल के डेट में अपडेट किया गया है। अगर आपको इनमें से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना है, किसी भी पोजीशन का आपको डिटेल देखना है, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। मैं आपको डेमो के लिए, एजुकेशन के लिए बताता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको जॉब का डिटेल देखना है। तो हम यहाँ पर कोई भी पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं एंड्रॉयड डेवलपर का जॉब है। अगर इसके लिए आपको अप्लाई करना है, इस पोस्ट का डिटेल देखना है, तो यहाँ पर ऐसा क्लिक करना। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर ऐसा क्लिक करोगे तो इस पोस्ट का, इस पोजीशन का ऑफिशियल जॉब प्रोफाइल आप लोगों के सामने आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जॉब का आईडी, रेफरेंस कोड, वर्क एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, जॉब का टाइटल क्या होगा, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिटेल है, सारा डिटेल यहाँ पर मेंशन है। एजुकेशन का क्या रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। और नीचे की तरफ देख सकते हैं सर्विस लाइन वगैरह क्या होगा, सारा डिटेल मेंशन है, जो कि आपको अच्छे से रीड कर लेना है। और अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, इस पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखो मिलेगा क्लिक टू प्रोसीड का बटन, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे, तो आप लोगों के सामने एक न्यू पेज आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे बोला जाता है कि आप लोग अपना जीमेल पासवर्ड देके साइन इन करके, लॉग इन करके अप्लाई करो, अगर आपने पहले से इस पेज पे साइन अप किया है, रजिस्टर किया है तो। अगर आप न्यू यूजर हो, फर्स्ट टाइम इस पेज पे आए हो, तो नीचे आना, यहाँ पे आपको मिलेगा रजिस्टर का बटन, जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे क्लिक करोगे, तो आप लोगों के सामने दोस्तों एक ऐसा पेज आएगा जहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ डिटेल देने पड़ेंगे, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जीमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे एग्री करना, सबमिट कर देना, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन यहाँ पे लॉगिन कर लेना। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना है, डायरेक्ट हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपना जीमेल पासवर्ड देके। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जीमेल पासवर्ड ऑलरेडी यहाँ पे एंटर है। हम बस क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, और हम लोगों के सामने एक अप्लाई का फॉर्म आएगा, आवेदन फॉर्म आएगा, जो कि हमें भर के सबमिट करना होगा अगर हम यहाँ पे इन्फोसिस में अप्लाई करना चाहते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों के सामने आ गया है अप्लाई का फॉर्म। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है अप्लाई का फॉर्म, बिल्कुल छोटा सा है, आप लोग आसानी से भर सकते हो। तो इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या चाहिए, देखो यहाँ पे आप लोग अपना प्रोफाइल फोटो लगा सकते हो। बाकी नीचे की तरफ क्या है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आप प्रीफर्ड, आप इंटरव्यू सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो करंट प्रीवियस एम्प्लॉयर के बारे में बता सकते हो, टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर के बारे में बता सकते हो। बाकी नीचे की तरफ करंट सिटी से भी दे सकते हो। बाकी यहाँ पे आप अपना डिप्लोमा का परसेंटेज, ग्रेजुएशन का परसेंटेज दे सकते हो। फिर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का परसेंटेज दे सकते हो। नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो मोबाइल नंबर भी आपको एंटर कर देना है, पैन नंबर भी दे देना है। और जो मेन पॉइंट है वो है यहाँ पे रिज्यूम, क्योंकि यहाँ पे जो आपने डिटेल दिया है वो तो ठीक है, बट रिज्यूम अपलोड करना ही करना है। तो यहाँ पे क्लिक करना और अपना यहाँ पे रिज्यूम अपलोड कर देना। मैक्सिमम 5 MB के अंदर होना चाहिए। फाइल का जो यहाँ पे फॉर्मेट है वो PDF और यहाँ पे डॉक्स वगैरह भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड करिएगा और प्रोसीड कर दीजिएगा अपना रिज्यूमे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे देखो क्या है, सिंपल सा काम है, यहाँ पे आपको अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे, तो आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे इन्फोसिस कंपनी में जॉब के लिए, नौकरी के लिए अप्लाई हो जाएगा, आवेदन हो जाएगा बिल्कुल फ्री में। सो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको इन्फोसिस कंपनी में अप्लाई करना है, कैसे जॉब प्रोफाइल निकालना है। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। एंड हाँ दोस्तों, जाते जाते एक जरूरी जानकारी देना चाहूंगा, अगर आपको कभी भी कोई कॉल या फिर मेल आता है और वहाँ पे ये बोला जाता है हम इस कंपनी से, इस ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहे हैं, इतना पेमेंट करिए, आप ये OTP बताइए, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा आपका, डायरेक्ट यहाँ पे भर्ती करवा देंगे, तो आपको इन सब झांसों में आके किसी को कोई भी पैसा या फिर कोई भी OTP का लेन देन नहीं करना है। इन्फोसिस कंपनी में अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास ऐसा क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पे फ्री में जॉब पा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जॉब प्रोफाइल रीड कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे नए जॉब अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।